बाबा ने हूँ बलनर बाबा ने हूँ बलनर सोना न बाले ने रूपा न बाले। सरकार ऐसे गांव को चिन्हित कर उस गांव को गोद लेकर गांव में शहर जैसी सुविधा को बहाल करना चाहती है। वहीं दूसरी ओर मसीहा कहे जाने वाले सपूत की यह गांव आज सरकारी सुविधाओं की कमी के कारण बदहाल है। हम ले चलते हैं ऐसा गांव जहां आदिवासी समुदाय के मसीहा पंखराज साहेब बाबा स्वर्गीय कार्तिक उरांव की जन्मभूमि लिट्टा टोली है, जो आज बदहाली में है। बता दें कि शहर से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पंखराज साहेब बाबा कार्तिक उरांव का यह गांव सरकार और प्रशासन की उदासीनता के कारण बदहाली का दंश झेल रही है। गांव आज भी विकास का बाट जो रही है। प्रतिभा के धनी व कुशाग्र बुद्धि के स्वामी पंखराज साहेब स्वर्गीय कार्तिक उरांव अभियांत्रिकी के क्षेत्र में महारत हासिल कर गुमला जिले का नाम रोशन किया था, लेकिन दुर्भाग्य है दुनिया के सबसे बड़े ऑटोमेटिक पावर स्टेशन का प्रारूप ब्रिटिश सरकार को देने वाले कार्तिक उरांव का गांव लिट्टा टोली में हर वर्ष 29 अक्टूबर को जयंती धूमधाम से मनाई जाती है। इस दौरान ऊंचे स्तर के नेता और छोटे स्तर के नेता जयंती समारोह में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं, लेकिन सिर्फ नेताओं का दौरा कार्यक्रम तक ही सीमित रह गया है। हम शिक्षा की बात करें तो गांव में प्रोजेक्ट कार्तिक उरांव हाई स्कूल भी बना है, लेकिन शिक्षा का मंदिर भी अब जर्जर हो गया है। गांव की बदहाली की तस्वीर सरकार और प्रशासन की उदासीनता की पोल खोल रही है। गुमला से अजीत सोनी की रिपोर्ट। इसके पहले जब शुरुआत हुआ था बहुत भव्य रूप से होता था। आज से 10 साल पहले हम लोग इसको शुरुआत किए थे, भव्य रूप से होता था, सारे लोग आते थे, जितना मिनिस्टर से ले सारे जितना समाज से भी लोग आते थे। लेकिन जब से कोरोना काल हुआ है, कोरोना काल दो टाइम लगा उस टाइप नहीं हो पाया। अब कुछ कोरोना काल के चलते भी इस तरह का नहीं हो पा रहा है, बहुत लोग में है, उहापोह में है, अभी कोरोना चल रहा है जिसके चलते। लेकिन जितना लोग अभी आए हैं, श्रद्धा उनके प्रति है, सब लोग आ रहे हैं। कभी हमें भी बड़ी पीड़ा होती है, बड़ी ही दुख लगती है, क्योंकि उसी के समाज से हम भी बिलोंग करते हैं और उनके नाम से हर जगह अपने अपने हिसाब से सारी संस्थान चल रही है। इतनी बड़ी धरोहर और लोग उनको भूलते जा रहे हैं और प्रशासन का उदासीनता है कहेंगे इसमें। अब तो बहुत सारी चीज़ इसमें होना चाहिए, दिखना चाहिए, वो दिख नहीं रहा है। बड़ी दुर्भाग्य की बात है हमारे झारखंड के। झारखंड बने आज 21 साल हो गए, अब हमारे यहाँ के लोग को ही यहाँ सम्मान नहीं मिल रहा है, तो दूसरा क्या सम्मान मिलेगा। क्या नाम भैया आपका? जगन्नाथ उरांव। कहाँ से है, क्या है? ये बगल में तेलगांव गांव पड़ता है, वहीं से हम एज ए समाज से। हाँ, ये कार्तिक बाबा हम लोग का समाज के प्रति, ये अपने नौकरी के छोड़कर इस समाज के प्रति में बलिदान अपने जीवन को गंवा दिया। और यहाँ अपने यहाँ बहुत विशाल यात्रा लगाया और हर जगह जत्रा सिमरा का, जिससे हम लोग का आदिवासी का जत्रा होता है, उस जत्रा सिमरा को लगाता था और अपने समाज के प्रति वो बहुत दौड़ता था और कि सुधर जाओ, समझ जाओ, आदिवासी सारे लोगों यानी धर्म में जागो, ऐसा शिक्षा देता था, बुद्धि देता था लोगों को। इसलिए ये शिक्षा देता था, बुद्धि देता था, जीवगर आदमी था, इसलिए इसका कहने पर सारे लोग मानते थे। लेकिन बाद में आते आते सारे भटक गए और भटक कर अभी हम लोग भटक चुके हैं। ना हम लोग का सरकार तरफ से कुछ साधन आ रहा है, ना स्कूल का साधन आ रहा है, ना कोई घर का साधन आ रहा है। गरीबों को शोषण बड़ी हो रहा है, खाली शोषण हो रहा है, शोषण हो रहा है। जो मूलभूत सुविधा मिलना नहीं आता है, नहीं आ पाता है। अभी आप क्या कहना चाहेंगे, मूलभूत सुविधा आपको नहीं मिल रहा है तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? तो हम लोग को गरीबों को जितना पब्लिक को, आम पब्लिक को, गरीबों को हम लोग को
सुविधा हो जाना चाहिए बच्चन का पढ़ने के लिए, और हम लोग का रहन सहन घर दुरा ये सब हम लोग को पानी का सिंचाई ये सब हम लोग को हो जाना चाहिए सरकार की तरफ से। स्कूल को ढील दिया सरकार ने, ऐसे भावना नहीं हो तो डीसी से हम बात करेंगे, अभी डीओ से भी बात करेंगे, फिर जाकर के लौट करके परसों दिन संडे हो जाता है, 1-2 तारीख को फिर हम शिक्षा सचिव से भी बात करेंगे कि इसको कैसे बनाया जाए, कैसे रखा जाए, तोड़ के नया बनाने की जरूरत नहीं है, उसकी मरम्मती कैसे किया जाए कि इसकी उपयोगी रहे बिल्डिंग, लड़के पढ़ें, और फख्र करें कि यहाँ से कार्तिक बाबू जैसे शख्सियत पढ़े थे, तो हम करेंगे इस पर। और भी जो समस्या लोगों से बात कर रहे हैं, आंगनबाड़ी का भवन नहीं बना हुआ है, स्वास्थ्य उपकेंद्र यहाँ पर है उसका बिल्डिंग नहीं बना हुआ है, इसके बारे में हमने संज्ञान लिया है और इस पर हम कार्रवाई करेंगे। गांव देखिए, पहले तो एमपी लोगों को आदर्श गांव का दिया गया था, अब मेरे ख्याल से यहाँ के जो एमपी हैं, तीसरा टर्म चल रहा है, उनको जरूर इसी गांव को गोद लेना चाहिए था, राजनीति से ऊपर उठ करके, कार्तिक राम जी का गांव था ये, इस गांव को गोद लेते तो शायद कुछ परिवर्तन होता इसमें, है ना। मैं रहता अगर एमपी उस समय, जिस समय आदर्श गांव की रूपरेखा बनाई गई थी, मोदी जी ने बनाया था, तो इसी गांव को लेता मैं किसी पार्टी में रहता इस गांव को लेता, इसलिए नहीं कि मैं कांग्रेस में हूँ, कांग्रेस के ऊ के थे, इसलिए नहीं, किसी भी रहता है जहाँ ये फक्र की बात है यहाँ के एमपी एमएलए लोगों के लिए कि कार्तिक बाबू जैसे शख्सियत गुमला में हुए थे और रीटा टोली गाँव में पैदा हुए थे, इस फक्र की बात है, तो उसको तो सजा कर रखना चाहिए, इसमें दो मत तो है नहीं। यहाँ उनका समाधि स्थल है और उनकी धर्मपत्नी स्वर्गीय सुमन से उनके परिवार से जुड़ा रहा हूँ शुरू से ही, ये फर्ज बनता था कि आज उनको याद करूँगा आकर के उनके जन्म स्थली में रीटा टोली में, तो हमारे साथी लोगों के साथ में आया, दुखी जी भी हैं यहाँ पर पढ़ा के, नेतंगीता जी हैं, है ना, और कौन कौन है जी, हाँ अनिल हैं, सब हाँ सब ये सब हम लोग हैं, और श्रद्धांजलि अर्पित किए, और हम लोग आने वाले समय में भी कार्तिक बाबू का योगदान जो रहा आदिवासियों के उत्थान के लिए, विकास के लिए, उसको हमें नहीं भूलना है, उसको सदैव याद रखना है। एक पुराने चीज़ों को हम छोड़ते चले जा रहे थे, पूर्वजों के चीज़ों को हम लोग, तो कार्तिक बाबू आकर के एक जागरण का शंखनाद किए, जागृत किए आदिवासी समाज को, यही नहीं पूरे देश में घूम घूम के, और एक नई पहचान हम लोग को, नई जागरूकता, राजनीतिक जागरूकता खास करके आई, और अभी भी है जागरूकता हम लोग के बीच में, तो उनका देन काफ़ी इसमें है, और उन्होंने अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद का जो गठन किया उसके बाद माध्यम से जगह जगह अन्य राज्यों में भी रोजगार के मामले में और शिक्षा के मामले में काम हो रहा है, उसको भी हम लोग को ध्यान रखना चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं। तो आज के दिन यहाँ आए हैं, आज रुकेंगे गुमला में, कल सांस्कृतिक केंद्र यहाँ बना हुआ है उसका उद्घाटन है, फिर परिसंपत्तियों का वितरण भी डीसी साहब ने अनुरोध किया है, तो उसमें भी हम शामिल रहेंगे, इस तरह से कल भी रहेंगे, शाम में फिर यहाँ से निकलेंगे। आप आएंगे लेटर कॉलेज में बताया लोगों ने, तो उसकी जो देखिए अभी स्कूल अलग अलग खुल गए हैं, अलग अलग प्राइवेट स्कूल भी चल रहे हैं, सरकारी स्कूल भी चल रहे हैं, और बढ़िया बढ़िया बिल्डिंग बना हुआ सब जगह, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी बचा कर रखना चाहिए, जहाँ हमारे पुरखे पढ़े हैं, ऐतिहासिक पुरुष पढ़े हैं, तो ऐसे स्कूलों को बचा कर रखना चाहिए हमको, अभी भी लोग बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उनको तकलीफ़ नहीं हो, उनको एहसास नहीं हो,